ओके प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इन दिस केस वी हैव टू प्रूव फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्वलेंट अब इसमें हम प्रूव करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्वेलेंट मींस ए सबसेट ऑफ बी विल गिव एनियन बी इज इक्वल टू बी एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी गिव्स ए सबसेट ऑफ बी अब इसमें हम पहले फर्स्ट कंसिडर करेंगे लेट ए इज सबसेट ऑफ बी हमें क्या प्रूव करना है टू प्रूव दिस ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी ओके नाउ क्लियरली क्लियरली जो बी है इट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी ए यूनियन बी में एलिमेंट्स कौन से आते हैं ओके ए यूनियन बी में एलिमेंट्स आते हैं ए के बी और बी के बी ये देखिए ये आपका ए है ये आपका बी है ठीक है अब आप कंसीडर कीजिए ये ए है सॉरी ये है ए यूनियन बी ओके आप देख सकते हो ए एनियन बी में ए और बी के सब एलिमेंट्स आ रहे हैं मतलब बी के तो एलिमेंट्स ऑलरेडी आ, आ ही रहे हैं ठीक है इसका मतलब बी क्लियरली क्या है ए यूनियन बी का सबसेट है इनफैक्ट ए जो रहता है ये भी ए एनियन बी का सबसेट है और बी जो रहता है वो भी ए यूनियन बी का सबसेट है जिन दो सेट से यूनियन बनता है उसके कंपोनेंट सेट्स हमेशा उसके सबसेट्स ही रहते हैं ठीक है सो बी सबसेट ऑफ ए एंड बी ये हमें पता है हम रिवर्स प्रूव करेंगे ए यूनियन बी बी का सबसेट है अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ओके क्लियर नाउ उसके लिए हम क्या करेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी दिस विल इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी या तो एक्स ए में प्रेजेंट है या एक्स बी में प्रेजेंट है अब चलिए हमारे अजम्पन पे हमारा अजम्पन क्या है ये देखिए ए सबसेट ऑफ बी बट ए क्या है सबसेट ऑफ बी अब जरा इन दो लाइंस को ध्यान से देखिए एक्स जो था वो एन बी में, में प्रेजेंट है यूनियन में किसके एलिमेंट आते हैं ए के भी बी के भी सारे एलिमेंट ओके और अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो उसे एक ही बार लिखा जाएगा ओके तो एक यादव ए में प्रेजेंट है या एक्स बी में प्रेजेंट है लेकिन ऑलरेडी बी का सबसेट है ए इज ऑलरेडी द सबसेट ऑफ बी ठीक है तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट देख के हम क्या कर सकते हैं फो एक्स जो है वो सीधे सीधे कहा प्रेजेंट है बी में एक्स बी में प्रेजेंट है अगर हम कहते हैं एक्स ए में प्रेजेंट है तो ए क्या है बी का सबसेट है मतलब ए का हर लिग बी में प्रेजेंट आएगा तो अगर एक्स ए में भी प्रेजेंट है तो भी वहां से हमें क्या मिलेगा एक्स बी में प्रेजेंट है हमने लिया एक्स इज प्रेजेंट ऑफ यूनियन बी वी आर गेटिंग बिलोंग्स टू बी दे सबसेट ऑफ बी एंड देफो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी बी तो ऑलरेडी यूनियन बी का सबसेट है लेकिन यहाँ पे यूनियन बी बी का सबसेट हो गया मीन्स ये इक्वल आ गए ओके देफो जो फर्स्ट हमने लिया था इसने प्रूव किया थर्ड को ठीक है अब हम रिवर्स चलेंगे अब थर्ड फर्स्ट को प्रूव करेगा मतलब थर्ड हम चलेंगे नाउ लेट एनियन बी इज इक्वल टू बी एनियन बी जो है वो बी है टू प्रूव इज सबसेट ऑफ बी हमें प्रूव करना है कि ए जो है वो बी का सबसेट है ओके okay? बहुत सिंपल है आपको एलिमेंट ले लीजिए ए में Let एक्स बिलोंग्स टू ए हमने एक्स कहा ए में अब ए यूनियन बी में किसके एलिमेंट्स आते हैं ए के सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे इसका मतलब एक्स जो ए में प्रेजेंट है वो क्लियरली यूनियन बी में प्रेजेंट है ओके okay. इसका मतलब क्या हो गया एक्स किस में प्रेजेंट है बी में क्यों क्योंकि यहां पर यूनियन बी जो है वो बी है इस वक्त हमारा एजम्पन ये चल रहा है ए इन इन बी इट इज इक्वल टू बी तो x यदि ए इन इन बी में प्रेजेंट है इसका मतलब x कहां प्रेजेंट है B में हमने क्या लिया था x A में प्रेजेंट है ओके okay? क्लियरली A सबसेट ऑफ B मतलब इस केस में हमने थर्ड एजम्पन लिया और इसने क्या प्रूव किया फर्स्ट इज क्लियर अब हमारा आगे जो हम प्रूव करेंगे वो रहेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए ओके इन द नेक्स्ट वीडियो Please note it down.